नमस्कार, मैं हूं विजय वर्मा। चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव में इस बार कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों को बागियों की बगावत भारी पड़ती नजर आ रही है। यहां 200 विधानसभा सीटों पर खड़े उम्मीदवारों की स्थिति साफ हो चुकी है। राजस्थान में कुल 3,432 नामांकन दाखिल हुए थे, जिनमें 392 रिजेक्ट हुए, जबकि 2,576 नामांकन स्वीकृत कर लिए गए। इस बीच कई उम्मीदवारों ने अपने नाम वापसी के 464 फॉर्म वापस लिए। इस दौरान कांग्रेस और भाजपा दोनों ही दलों ने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए खूब जोर भी लगाया। इनमें महज 5 उम्मीदवार ही ऐसे निकले जिनको पार्टियां मनाने में कामयाब रही, और बाद में इन बागियों ने पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में नाम वापस ले लिया। खास बात यह है कि कांग्रेस सबसे ज्यादा अपने 4 बागी उम्मीदवारों को मनाने में कामयाब रही, जबकि बीजेपी सिर्फ एक ही उम्मीदवार को चुनावी मैदान से हटने के लिए मना सकी है। अब दोनों ही पार्टियों को अपने अपने बागियों से कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, जो उनकी समीकरणों को निश्चित रूप से प्रभावित करेगा। हालांकि यह भी निश्चित है कि लाख मनाने के बाद भी चुनाव मैदान में अड़े ये कांग्रेस और भाजपा के बागी इस चुनाव को काफी रोचक बना देंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं कांग्रेस के बागियों की। आखिर कौन कौन सी विधानसभा सीटें हैं जिन पर अभी भी टिके हैं ये कांग्रेस के बागी? तो सरदार शहर, हिंडौन सिटी, मनोहर थाना, नागौर, पुष्कर, नगर, चौरासी, बिछीवाड़ा, सिवाना, राजगढ़ और लक्ष्मणगढ़, ये वे विधानसभा सीटें हैं जहां पर कांग्रेस के बागी पार्टी के लिए सरदर्द बन चुके हैं। अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने में खूब जोर लगाने के बाद भी कांग्रेस प्रदेश की 4 चर्चित सीटों पर से ही बागी उम्मीदवारों को मनाने में सफलता हासिल कर पाई। इनमें मसूदा, बड़ी सादड़ी, अजमेर साउथ और सूरसागर विधानसभा शामिल हैं। उधर बीजेपी में 14 बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी का टिकट नहीं मिलने से यहां भी कई बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरे। हालांकि भाजपा ने भी इन्हें मनाने का काफी प्रयास किया, लेकिन बीजेपी में टिकट को लेकर ज्यादा रोष था इस बार। अब 14 बागी उम्मीदवार बीजेपी के लिए चुनौती बनते नजर आ रहे हैं। इनमें सांचौर, बस्सी, चित्तौड़गढ़, कोटपुतली, शिव, सूरतगढ़, डीडवाना, बयाना, लाड़पुरा, खंडेला, पिलानी और फतेहपुर वे विधानसभा सीटें जहां पर बागी उम्मीदवार चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। बीजेपी ने अपने बागी उम्मीदवारों को मनाने के लिए काफी प्रयास किया, लेकिन सभी प्रयास असफल रहे। इस दौरान केवल एक उम्मीदवार को बीजेपी मना पाई, जिसमें जयपुर की छोटवाड़ा विधानसभा सीट से वसुंधरा के करीबी राजपाल सिंह शेखावत का टिकट कट गया था। इस पर शेखावत ने निर्दलीय नामांकन भर दिया था, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें फोन कर मना लिया। इसके बाद उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है। अब बात करते हैं भाजपा और कांग्रेस के 14 ऐसे बागी उम्मीदवारों की, जिसमें किसी का सियासी कद ऊंचा है तो किसी के पास जीत का तजुर्बा है तो किसी के पास है जोश भरी युवा शक्ति। और मुझे लगता है यह सब कुछ काफी है इस बार के चुनावों में सत्ता के समीकरण बदलने के लिए। सबसे पहले बात करते हैं डीडवाना से बीजेपी के बागी पूर्व मंत्री यूनुस खान की, जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के विश्वास पात्र भी माने जाते हैं। टिकट नहीं मिलने से खफा यूनुस खान ने कुछ दिन पहले ही पार्टी छोड़ निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था। राजस्थान की राजनीति में यूनुस खान को वसुंधरा राजे का सबसे करीबी होने के साथ ही भारतीय जनता पार्टी में बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा भी माना जाता रहा है। डीडवाना सीट के 2 बार विधायक भी रह चुके हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने खान को कांग्रेस के दिग्गज नेता सचिन पायलट के खिलाफ टोंक से चुनावी मैदान में उतारा था, लेकिन इस चुनाव में पायलट की जीत हुई थी। अब बात करते हैं शिव विधानसभा सीट की। यहां से बीजेपी के युवा बागी रविंद्र भाटी हैं। युवा नेता रविंद्र भाटी ने कुछ दिन पहले ही बीजेपी का दामन थामा था। पार्टी की तरफ से टिकट नहीं दिए जाने पर उन्होंने 9 दिन में ही बगावत कर दी और फिर बाड़मेर जिले की शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए। अब इस युवा नेता के साथ चल रही हजारों की तादाद में जो युवाओं की भीड़ है, उसने कांग्रेस और भाजपा दोनों ही पार्टियों की नींद उड़ा दी है। आपको बता दें कि युवा नेता रविंद्र भाटी साल 2019 में जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी से एबीवीपी से छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव भी लड़ना चाहते थे, लेकिन तब भी उन्हें टिकट नहीं मिला था। इसके बाद उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। तो आंदोलन और आक्रामक रवैया रखने वाले भाटी यूथ के बीच खासा पॉपुलर है। अब बात करते हैं बंशीधर बाजिया की। सीकर की खंडेला विधानसभा सीट से आते हैं। भाजपा के 2 बार विधायक रह चुके हैं और पूर्व चिकित्सा राज्य मंत्री भी हैं। कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए
सुभाष मील को 24 घंटे में भाजपा ने मील जो टिकट दिया, इससे नाराज बाजिया अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं खंडेला से। इसी तरह बाड़मेर सीट पर टिकट नहीं मिलने की उम्मीद लगाए बैठे, टिकट मिलने की उम्मीद लगाए बैठे डॉक्टर प्रियंका चौधरी भी इस बार निर्दलीय चुनाव लड़ रही है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मीडिया से यह भी कहा कि 15 साल से निष्ठा रखते हुए पार्टी की सेवा उन्होंने की, लेकिन पार्टी ने टिकट दीपक कड़वा सराह को दे दिया। इसके अलावा बात करते हैं कांग्रेस के बागी और पिछले दिनों चर्चाओं में रहे खिलाड़ी लाल बैरवा की। बसेड़ी से फिलहाल सीटिंग विधायक रहे हैं और इस बार कांग्रेस ने खिलाड़ी लाल बैरवा को टिकट नहीं देकर संजय जाटव को उम्मीदवार बनाया है। इसके बाद खिलाड़ी लाल बैरवा ने राज्य अनुसूचित जाति आयोग के पद से भी इस्तीफा दे दिया और इस सीट से अब वे निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। झोटवाड़ा सीट से आशु सिंह सुरपुरा ने भी निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर पर्चा भरा है। आशु सिंह भाजपा के नेता रहे हैं लेकिन टिकट कट जाने के चलते नाराज थे। इसके अलावा मालपुरा विधानसभा सीट से गोपाल गुर्जर भी निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। इसी तरह कांग्रेस के बागी जो बांसवाड़ा सीट से हकरू मईड़ा चुनाव मैदान में है। इसी के अलावा नागौर विधानसभा सीट से हबीबुर रहमान भी कांग्रेस के बागी हैं, वो भी कांग्रेस के लिए कड़ी चुनौती हो सकते हैं। वहीं विधानसभा चित्तौड़गढ़ से बीजेपी के बागी चंद्रमान सिंह आके, जिनका काफ़ी नाम चर्चा में रहा था, वो भी दिक्कत कर सके। राजगढ़ से विधानसभा सीट से कांग्रेस के बागी विधायक जौहरीलाल मीणा हैं। कोटपुतली से मुकेश गोयल हैं और सुमेरपुर से वसुंधरा समर्थक मदन राठौड़ भी निर्दलीय लड़ रहे हैं। छपरा से कांग्रेस के बागी नरेश मीणा हैं। सवाई माधोपुर से कांग्रेस के बागी अजी जुद्दीन आज़ाद और सादुल शह से कांग्रेस के बागी ओम बिश्नोई भी निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। तो साल 2018 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो चुनाव में 13 निर्दलीय उम्मीदवार जीत कर आए थे। इस चुनाव में सरकार बनाने से लेकर सरकार बचाने तक में निर्दलीय विधायकों की अहम भूमिका रही थी। ऐसे में इस बार भी सत्ता की चाबी बागियों के हाथ में नजर आ रही है। चलिए चुनावी चर्चा में आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।